हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स मेरा बहुत अच्छा घर, मैं भी अच्छी हूँ। इवनिंग का टाइम है तो सभी बड़ों का प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। जिसका भी बर्थडे हो तो हैप्पी बर्थडे टू यू, और जिसका एनिवर्सरी हो हैप्पी एनिवर्सरी। तो चलो सभी बड़ों का प्रणाम देके अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो। जो जहाँ से देख रहे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ जुमा, इंडियन ब्लॉगर जुमा। इंडियन ब्लॉगर जुमा के चैनल में सभी को बहुत 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 स्वागत है। तो चलो नया पुराना फ्रेंड्स मेरा जो भी जहाँ भी हो, अच्छा रहो, खुश रहो, हंसते रहो, और सभी की तबीयत अच्छा रहे, यही मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जो जहाँ पे है सब लोग सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, और खुश रहे, और खुशहाली उनकी ज़िंदगी हो। तो चलो अभी मैं, इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग का टाइम से मैं आज कॉल कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है तो नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा अपने तबीयत की भी कुछ है, तो चलो वो सब तो होता रहेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने, जो उस दिन मैं बना नहीं पाई थी वही बनाऊँगी। तो मैं बनाऊँगी आज मैं ढोसा, तो उस दिन नहीं बना पाई थी, आज तो बनाना ही है मुझे। क्या देखती हूँ कैसे कितना हो पाता है, जितना भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने कल दाल को भिगा के रखा, उसको पीस के सारा सेट करके रख दिया, वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया। तो मैं खाली उसको जिस तरह से ढक के रखा था वो निकाल के आपके साथ दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते आज की शाम। तो ये कपड़ा में देखो, उनको धो दिया था, सूख गए, आज मशीन में सुखा है। तो सारा कपड़ा धोऊंगी, धो के उसके बाद में तय लगा दिया। दे दिन तो आज टीवी देखते देखते तय लगा रही, कभी कभी टीवी देखते देखते तय लगाने में भी अच्छा लगता है, कभी मैं गाना सुनते सुनते लगाती हूँ, कभी वीडियो की लगा चालू कर देती हूँ। तो मैं इस कमरे में रहती हूँ, उस कमरे में रहती हूँ, कुछ ना कुछ चालू करके देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलो आज फिर मैंने कहा कि फटाफट ये कर लेते, शाम को आज मुझे खाना बनाना भी है नहीं भी है। तो आज की शाम मैंने, आज की शाम मेरा घर ढोसा के नाम होगा, तो ढोसा के नाम, आज के शाम ढोसा के नाम। तो चलो ये सब करके ढोसा बनाऊंगी। बहुत वो हो रहा है कि सही से बनेगा, तो ये देखो ढोसा का सारा मसाला ले लिया। मेन मसाला इसका मेथी और जो मूंग की दाल तड़के के लिए, तो मसाला तो कुछ भी हो। तो चलो इसमें डाल दिया है मैंने मेथी और मूंग की दाल तड़का में। इसमें आप चने भी डाल सकते हो, पर मैंने चना डाला नहीं। और ये सब डाल के उसके बाद में मसाला को नमक डाल के अच्छी तरह फ्राई करके इसको सॉफ्ट कर लूँगी, अच्छी तरह भी सॉफ्ट हो भी जाएगा क्योंकि नमक पड़ा है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में इसमें आलू डालूँगी, तो थोड़ा सा इसको जैसे ना धीमी आँच करके उसको नरम, मतलब ये टमाटर बस गल जाए बस, क्योंकि टमाटर ना मेरा बेटा पसंद नहीं करता मुंह पे पड़ेगा, तो इसीलिए मैं टमाटर को बिल्कुल दिखे ही नहीं इस तरह से डालती हूँ। तो अब इसके ऊपर ही मैं डाल दूँगी आलू, तो आलू से थोड़ा सा दबाऊँगी तो वो जो टमाटर दिख रहा है वो भी हट जाएगा, तब फिर पता नहीं चलेगा, क्योंकि आलू से बिल्कुल अच्छी तरह इसको, आलू को भी फ्राई कर दूँगी ना, जैसे आलू का चोखा बोल सकते हो। इस आलू से अगर पराठा बनाओ तो लाजवाब पराठा होगा, इस आलू से बहुत अच्छा लगता है पराठा। और मैंने कल शाम को यहाँ पे भिगा के पीस के रख दिया था, तो उसको मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो सॉरी। और इसमें मैंने पक्का और कच्चा चावल लिया था, और आधा और आधा से कम लिया था मैंने मूंग की दाल, तो उसको भिगा के पीस के रख दिया था, और हाथ से फेंट के रखा था जब ये इतना अच्छा हुआ, क्योंकि अगर हाथ से फेंट के नहीं रखो तो ये मतलब ऐसे नहीं होता है। तो इसको मैंने देखो एकदम ऐसे लग रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो अभी हस्बैंड कह रहे कि तुम अब जलेबी बना के खिलाओ, मैंने कहा किसी दिन ट्राई करेंगे, अभी नहीं किसी दिन करेंगे। तो चलो कह रहे जलेबी भी डोसा की तरह होना चाहिए, तो ये डोसा की सब्ज़ी बना के रखा जो होता है नॉर्मल, इसी आलू से ही मैंने बना लिया था सब्ज़ी। और यहाँ पे चावल बैठा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बाई चांस खाए तो। और यहाँ पे मेरा जो परसों पीठा बना के रखा था आधा अधूरा, वो बना रही हूँ। इसमें खजूर का गुड़ डाल दिया, और डाल के अब मैं बना ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा। तो आज के रात मेरे को खाना मतलब दाल चावल ये सब्जी अभी नहीं बनाना है, क्योंकि सब्जी भी है दाल भी है, चावल थोड़ा बना लिया,
खाएंगे ठीक, नहीं खाएंगे तो ठीक रख देंगे। तो यही है। और इसमें मैंने देखो डोसा बना के थोड़ा सा तेल डाल दिया इसको मैंने, क्योंकि इतना पतला है कि बहुत ज़्यादा पतला, एकदम लाल लाल तावा तक दिखाई दे रहा है, इतना पतला देखने में लग रहा है भारी, पर भारी नहीं है ये, पतला ही है। तो अब मैं इसको बना लूँगी और इसको बना के तो मैं फिर दूँगी, पहले तो हस्बैंड को दूँगी और हस्बैंड को दे के उसके बाद बेटी को दूँगी, फिर एक जन को और दूँगी, तो उसको अकेला रहता है तो उसको भी मन करता है कि कुछ भी बनाओ तो देने के भी खा लेगा। तो ये देखो सब्जी और डोसा रेडी है गरम गरम, तो आप लोग खा के टेस्ट कर लो, देखो कैसे हुआ है। तो अभी देखो मैं इसको इस तरह से डाल के और गैस को बिल्कुल कम करके रखा, क्योंकि हाथ से इसलिए कर रही हूँ, मेरे से उससे उस तरह से नहीं हो रहा है, तो मैं हाथ से जो ये निशान ला रही हूँ ना, तो ये हाथ से ही हो पा रहा है मेरा किसी और चीज़ से नहीं हो पा रहा है। तो ये हाथ ना जैसे गर्म हो जा रहा है क्योंकि पतला हो रहा है इतना, तो मैं पानी में हाथ डुबो के रख रही हूँ और रख के, तो अब मैं इसको इस तरह जैसे आ रहा है ना कोई, जैसे मेरा बेटा आ रहा है आए तो उसको खाने को जब टाइम है तभी बना के दे रही हूँ, जिसको जिस समय खाने का टाइम हो रहा है उसी को दे रही हूँ, बना के मैं नहीं रख रही हूँ, एक खा रहा है तो अब दूसरा बना रही हूँ, मतलब दूसरा बना रही हूँ ऐसे करके दे रही हूँ, क्योंकि ये रख दो और एक साथ बना के तो अच्छा नहीं लगता खाने में, क्योंकि सॉफ्ट नरम अच्छा नहीं लगता, गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो चलो आज मेरा हस्बैंड बेटा बेटी सब ने बोला कि तुमने अच्छा डोसा बनाया, पर मुझे तो डोसा पसंद नहीं है तो मैं तो नहीं खाई, और मुझे डोसा बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे खरीद के भी कोई खाते हैं ना मैं बोलती तुम लोग खाओ मैं नहीं खाऊंगी, तो मुझे उतना पसंद ही नहीं है डोसा, तो फिर मैंने नहीं खाया। मैंने कहा ये बर्तन वर्तन धो देती, थोड़ा बर्तन है तो गैस वैस साफ़ कर दिया, अब मैं अपने लिए चावल निकाली हूँ और एक पीस फिश है और ये खा लूँगी, मेरा हो जाएगा। तो इसमें दूध चावल सब रखा हुआ है, बेटा ने तो खाया नहीं, तो सारा बर्तन भी धो दिया, किचन भी क्लीन कर दिया पहले और दोबारा बर्तन जो धो धो के, और मेरे से मुझे डोसा अच्छा नहीं लगता है खाने में, बनाने में अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए बना दिया है सबको, आज बना बना के गर्म गर्म डोसा खिलाए, पर मैंने डोसा नहीं खाया और ना इतना भी दिन का खा के देखा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, तो क्योंकि ना नहीं अच्छा लगता है तो मैं नहीं खाती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि जो सब लोगों को अच्छा लगता है वो बना दूँ, उनको खुश रखूँ तो मैं खुश, मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश, तो इसलिए मैंने डोसा बनाया और खिला दिया, आज सबको अच्छा लगा सबको, तो चलो डोसा बना के खिला दिया, यही मुझे खुशी है कि मैं बना के सही से उनको दे पाई। तो इस जो छोटा सा ब्लॉग था इसको ऐड कर देती हूँ, फिर मिलूंगी नया ब्लॉग के साथ, आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना, गुड नाइट।